आज मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी शनिवार 12 नवंबर 2022 है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद कहता है कि हमें भोजन भी दवा की भांति उपभोग करना चाहिए, तो आइए प्रभु श्री जी के दिव्य भोग में से एक और सामग्री पर आज एक नजर डालते हैं। यह किसी औषधि से कम नहीं है। दिव्य शंखनाद की पूर्व की प्रस्तुतियों का यह अंश है, अवलोकन कीजिए। यह विशेषकर प्रभु को शीतकाल में अरुगाई जाती है और इसका प्रसाद लेने पर मानव शरीर को बेहद लाभ पहुंचते हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्रियां हमारे घर पर आसानी से उपलब्ध होती हैं। विधि भी एकदम सामान्य है और अनगिनत लाभ हैं। और विशेष यह है कि शीतकाल में जो गरिष्ठ भोजन या खाद्य सामग्रियां उपयोग में ली जाती हैं, उनके लिए पहले भूख लगना तो आवश्यक है। यह बालक, बड़े, बूढ़ों सभी के लिए भूख लगने की रामबाण औषधि है। केवल 4 सामग्रियां उपयोग में आती हैं, खारक, द्राक्ष, काली मिर्ची एवं सेंधा नमक। विधि एकदम सामान्य है। एक दिन पहले खारक एवं द्राक्ष को पानी में गला दीजिए। खारक के आप टुकड़े कर सकते हैं। दूसरे दिन इनको उस पानी में से बाहर निकाल कर धो लीजिए। फिर इसमें स्वादानुसार या अनुपात अनुसार सेंधा नमक एवं काली मिर्च का पाउडर इसमें मिला दीजिए। बस सामग्री तैयार है। प्रभु को मंगल भोग में धरा सकते हैं या जिस प्रकार भी आप सेवा करें उस प्रकार धरा सकते हैं। इस सामग्री के अनगिनत लाभों को हमने ग्राफिक्स के जरिए आपके समक्ष रखा है। ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चलेगा प्रभु सिन्हा जी की सेवा प्रणाली का कितनी विलक्षण है। जो इसकी बनाने की विधि है, वह विधि इसके विटामिन सी या इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, मिनरल्स, फाइबर्स, उनको जरा भी नष्ट नहीं होने देती है और सीधे मानव शरीर को लाभ पहुंचाने के लायक बना देती है। सबसे पहले तो यह सामग्री प्रभु के समक्ष भोग में रख दीजिए ताकि इसमें प्रभु की दिव्यता समाहित हो जाए। फिर यदि आपके परिवार में किसी भी बालक, बड़े, महिला, युवती, किसी को भी भूख न लगने की समस्या है तो प्रातःकालीन वेला में भूखे पेट इसका सेवन कीजिए। अद्भुत परिणाम आपको अचंभित कर देंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज ही के दिन विक्रमाब्द 1879 में
नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकाय श्री दाऊ जी ने श्री गोवर्धन धरन प्रभु श्री जी तथा श्री नवनीत प्रिया जी के साथ श्री मथुरेश जी, श्री विठ्ठलनाथ जी, श्री द्वारिकाधीश जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोकुल चंद्रमा जी तथा श्री मदन मोहन जी को पधराकर 56 भोग सहित विविध मनोरथ अंगीकृत कराए थे। इन सभी निधि स्वरूपों के साथ काशी के श्री मुकुंद राय जी को छठे घर के स्वरूप के रूप में पधराए थे। इस उपरांत अन्य गोदी के स्वरूपों सहित 14 स्वरूप पधारे थे, परंतु आज का उत्सव 6 स्वरूपोत्सव ही कहा जाता है। और क्योंकि आज के दिवस उत्सव की भावना है, अतः श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। पूरे दिन यमुना जल की झारीजी भरी जाती हैं। दो समय की आरती थाली वाली की जाती है। आज से नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकाय श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री के उत्सव की 5 दिन की बधाई भी बैठती है। आज नूतन उत्सव के कारण नूतन श्रृंगार अंगीकार करवाया जाता है। सामान्यतया श्रीजी में दुमाला के साथ कुंडल नहीं धराए जाते, परंतु आज जरी के बीच के दुमाला के साथ मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। यह आज के श्रृंगार की विशेषता है। आज श्रीजी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में स्वच्छ सफेद चाशनी वाली चंद्रकला और विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अन सखड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है तो सखड़ी में मीठी सेव व केसर युक्त पेठा अरोगाए जाते हैं। साज सेवा में आज लाल आधार वस्त्र पर सुनहरी जरी के बूटों के जरदोशी के काम वाली तथा श्याम आधार वस्त्र के ऊपर सुनहरी जरी की पुष्पलता की सुंदर सज्जा वाले हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद रंग की बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के ही होते हैं। पान घर की सेवा के तहत बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं तो सन्मुख में धरती पर दृष्टि एवं अंगीठी धरी जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज सुनहरी जरी का सूथन, चाकदार वागा, चोली एवं ऊर्ध्व भुजा की ओर रुपहरी जरी का अंतर्वर्ती पटका धराया जाता है। श्वेत एवं सुनहरी जरी के मौजाजी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का चरणारविंद का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला आदि सभी आभरण उत्सववत हीरा की प्रधानता के धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर रुपहरी जरी के बीच के दुमाला के ऊपर पन्ना का सिरपेच रूप 14 वाला, सुनहरी जमाव की बीच की चंद्रिका एवं कतरा तथा बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। काली कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई जाती हैं तो फूल घर की सेवा की भावना से गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में हीरा के वेणु जी एवं हीरा व पन्ना के वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया नूपुर धराए जाते हैं तो खेल के साज में पट काशिका एवं गोटी कूदती हुई गायों की रखी जाती है। आरसी प्रभु को श्रृंगार में 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर दिए जाते हैं। श्रीकंठ में छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। दुमाला बड़ा नहीं किया जाता है और लोम तुर्रा भी नहीं धराए जाते हैं। राग सेवा में मंगला में अंबर देहो मुरारी हमारे, राजभोग में 7 रूप धरे, आरती में नवल नंद लाल नागर किशोर, शयन में डगर चल गोवर्धन की, मान के पद में मौन मनायो मान चल, पौड़वे के पद में रच रुच सेज बनाई, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है।
श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला राजभोग आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का भोग प्रभु को अरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। प्रिय नव नीत, प्रिय नव नीत, पालने झूले श्रीठल नाथ, झूला सुरा
भाग्य तन तन भाग दास निज जन के जो यह दर्शन आवे हो जो यह दर्शन आवे हो अंसाय भुजाय देव पढ़े पिय प्याय रे अंसाय भुजाय देव। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।